हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा, दी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन आइटम इज, ये दे रखा है साइज इक्वल टू, ये सब दे रखा है। फिर यहाँ पे देखो ए नोट इज क्या दे रखा, बोहर्स रेडियो इफ द रेडिकल नोड इन टू एस टू बी एट आर नोट, देन आर नोट विड विल बी इक्वल टू कितना होगा, ये हमें पूछा हुआ आर नोट की क्या होगा। तो जो हमारा देखो नोड्स होता है इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। तो हमारा साई स्क्वायर क्या है, हमारा अगर जीरो है तो हमारा साई कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो हमारा साई स्क्वायर तो अगर जीरो है तो हमारा साई जीरो हो जाएगा, तो हमारा साई स्क्वायर टू एस दे रखा है। अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, इसको टू स्क्वायर करूँ, तो इसको मैं अगर टू एस स्क्वायर करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, टू एस स्क्वायर आर नोट पे इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा यहाँ से साई स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू एस का 1/4 √2π दे रखा है, 1/a0 3k/2, 2 - r/a0, ठीक है, आर नोट, ठीक है, e - r/a0, ठीक है, ये इतना ही दे रखा है। और स्केयर दे रखा है तो स्केयर कर दिया मैंने, ठीक है, स्केयर करना था। इसके बाद 5² 2s = आ जाएगा, ठीक है, r = r0 इज इक्वल टू जीरो, तो इसको मैं इसके इक्वल जीरो कर दूंगा, तो 2 - r/a0 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आर नोट की वैल्यू आएगा 2a0, कितना आ गया 2a0, हमारा यही हो गया, यही हमें फाइंड करना था। हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है 2a0, 2a0 हमारा ए के साथ में बी के साथ मैच कर रहा, तो बी हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।